हेलो साथियों, मैं योगेश तिवारी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अभ्युदय अकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जो भी चैनल पर नए आए हों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसे लगे। अगर वीडियो में कोई सजेशन हो, कोई बात हो, तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं। आगे उस पर उसको मैनेज करेंगे, उसको अच्छे से प्रेजेंट करने का प्रयास रहेगा। जैसा कि अभी कई टॉपिक हो चुके हैं, लगभग 8 से 10 टॉपिक, चाहे वो मैथ के हो, रीजनिंग के हो, कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको मिल जाएंगे लगभग एग्जाम से पहले पहले। तो चलिए, आज एक नया टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, जहां से एक या दो क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। बाकी और सब जो पीछे वीडियो हुए हैं उसको आप पढ़ें और रिविज़न करें। जो भी दिक्कत हो, जो भी प्रॉब्लम हो, आप उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं, अन्यथा आप जो नंबर है व्हाट्सएप उस पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। क्या 87 5 6 6 0 और 6 7 और 3 7 पर इस पर आप कॉल कर सकते हैं और अपना डाउट पूछ सकते हैं, और इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। एसआई में क्या, एसआई तो चलिए आज सिंपल इंटरेस्ट में सबसे पहले अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो एक निश्चित ब्याज दर होती है उस पर। जैसे कि अगर सिंपल आपने कोई मूलधन दिया ना, मतलब प्रिंसिपल दिया, प्रिंसिपल पे जो रेट लगती है, प्रिंसिपल मान लो आपने किसी को, किसी से लेते भी हो और किसी को देते भी हो, वो होता है प्रिंसिपल। मतलब कोई चीज़ आप उधार लेते हो या किसी को रेंट पर दिया, उधारी पर देते हो, दोनों होता है, वो क्या कहलाते हैं, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कहलाते हैं, मूलधन कहलाता है आपका। तो मूलधन क्या है, मूलधन पे जो ब्याज लगती है, पर एनम लग सकती है, छमाही लग सकती है, और क्वार्टरली लग सकती है, हाफ ईयरली लगती है, किसी प्रकार से जो भी ब्याज लगती है, उसी पैसे पर जो आपने उसको उधार दिया है उस पर 1 साल का 2 साल का 3 साल का जो भी आपका इंटरेस्ट आएगा वो एसआई कहलाता है। अगर इस पे हमने मान लो 3% से ब्याज लगा दिया, यहाँ पर कुछ अमाउंट आ जाएगा ना, अमाउंट जो आएगा वो क्या हो जाएगा, अमाउंट आएगा 3% के हिसाब से कितना बनेगा वो निकाल के यहाँ पर जो आएगा उसको क्या बोलते हैं, एसआई बोलेंगे। ये एसआई होता है सिंपल इंटरेस्ट। अगर फिर अगर ये तीन परसेंट कितने ईयर के लिए, टू ईयर, और इसी पे आगे बढ़ा दिया जाए, मान लो बढ़ा के हम चलो 3% ही आपको 4 देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि इसी पर ब्याज फिर लगेगा, वही एसआई लगेगा, वही एसआई कहलाएगा। अगर इस एसआई पर, और एसआई जब, एसआई क्या हो जाता है, मूलधन मिश्रधन बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा एसआई, और मूलधन जब जुड़ जाएगा, एसआई प्लस मूलधन करोगे तो मिश्रधन में कन्वर्ट हो जाएगा। जब इस पर फिर से उसी जो एसआई और मूलधन जोड़ने के बाद, मान लो एसआई जो आया यहाँ पे 50 रुपये आया, तो यहाँ पर जो 550 रुपये हो गए, जब फिर से 550 पर 3% की ब्याज दर से 2 वर्ष का लगता है, वो होता है, यहाँ जो आता है वो कहलाता है CIN, चक्रवृद्धि ब्याज, ना कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। ये होता है अंतर एसआई और सीआई। पैसे पर भी पैसा लगता, पैसे पर जो आपका मूलधन है उस पर इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन जो इंटरेस्ट है इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगना वो कहलाता है आपका CI। तो आज हम सिंपली बात करने वाले हैं साधारण ब्याज, यानी सिंपल इंटरेस्ट का, जो आपके बैंक में यूज होता है, जो आपको दिया जाता है पर एनम 6% 5% 3% की दर से, जो आपके FD बनते हैं, या चाहे वो बैंकिंग में 3% या 2% 2.5% का जो ब्याज मिलता है वो सिंपल इंटरेस्ट का ब्याज मिलता है। सिंपल इंटरेस्ट नहीं, वो CI बनता है, क्योंकि उसमें फिर पैसा आपने बनाया फिर उस पर ब्याज मिलेगा आपको, है ना, उस होता है CI जो बैंक में लगता है, वो सिंपल इंटरेस्ट नहीं कहलाता। आपने सिंपल इंटरेस्ट मतलब किसी को पैसा दे दिया, भूल जाओ, वो देगा 3-4 साल बाद, तो भी जो आप 3% से दिए ना उसी हिसाब से देगा वो, जो इंटरेस्ट हर साल बढ़ रहा है, हर साल के का पैसा वो जोड़ के नहीं देगा। और यही CI में है कि वो 6 महीने का आया जो पैसा बना, फिर उस पर इंटरेस्ट लग के देता है बैंक, बैंक ये करता है 3 महीने 6 महीने का ब्याज मिलता है, फिर उस पूरा अमाउंट जोड़ता है, अमाउंट पर फिर ब्याज दिया जाता है, वो CI के थ्रू चलता है।
इतना समझाने का प्रयास किया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए टॉपिक पर, जो टाइप है, लगभग तीन टाइप है, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है नंबर वन, जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर इसको आप पढ़ के जाते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं आए, बाहर नहीं हो पाएगा, गारंटी देते हैं आपको। इस सिंपल इंटरेस्ट में आप सभी क्वेश्चन करके आएंगे। ये कुछ फार्मूलेज हैं, फार्मूला है जो हमने बता दिया, प्रिंसिपल क्या होता है, टाइम टाइम हाँ टाइम ये एक बात ध्यान रखना, अगर टाइम मान लो कहीं कहीं मंथ में दिया है तो उसको आपको हमेशा ईयर में कन्वर्ट करना है। किसमें? ऑलवेज जो टाइम लिखा जाएगा वो ईयर में ही लिखा जाएगा। अगर 5 मंथ दिया गया तो उसको 12 से डिवाइड करोगे, 5/12 करोगे तो वो बन जाएगा ईयर। अगर 6 मंथ लिखा है तो 6 मंथ में कितने ईयर होता है, 1/2 ईयर होता है, हाफ ईयर होता है, तो ये सब इस प्रकार से कन्वर्ट करना है टाइम। और एक बात, अगर हाफ ईयरली में जो रेट दिया हो, अगर रेट 8% दिया है, इसका मतलब क्या है कि 8/100 ना लिख सकते हो, 8% का, 8% का इसको लिख सकते हो, काट पीट के करो 2/25 आएगा। और जो ऊपर रहता है वो क्या होता है, SI होता है, और जो नीचे आता है ये प्रिंसिपल कहलाता है। इसका भी यूज कहीं कहीं देखने को मिलेगा, ये इससे भी मिलेगा, इससे भी कई क्वेश्चन इजी से आपके सॉल्व हो जाते हैं, तो ये भी ध्यान रखना। ऊपर जो होते हैं SI, अगर इन दोनों को जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, अगर मान लो 25 2 27, 27/25 अगर 25 लिख दिया मैंने, तो ऊपर वाला क्या हिस्सा हो जाएगा, अमाउंट हो जाता है मिश्रधन, और नीचे हो जाता है प्रिंसिपल यानी मूलधन बन जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, जब भी प्रिंसिपल में अमाउंट SI जोड़ दिया जाएगा तो मिश्रधन बन जाता है, मूलधन अमाउंट बन जाता है। और एक दो फार्मूला हैं, और हाँ और एक बात है कि अगर रेट रेट भी अगर आपको कहीं पर दिया रहे, अगर रेट जो है रेट परसेंटेज कहीं पर आपको दिया रहे, 6% हाफ ईयरली ना, 6% हाफ हाफ ईयरली ईयरली दिया रहे, तो इसका मतलब है कि अगर हाफ ईयरली दे रहे हो 6%, मतलब 6 महीने में, हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ ना, 6 मंथ में 6%, 6 मंथ में 6%, अगर 6 मंथ है और टाइम क्या दिया गया है, 2 ईयर, 2 ईयर टाइम दिया गया है, या 3 ईयर मान के चलो, 3 ईयर टाइम दिया गया है, 3 ईयर टाइम दिया गया है, तो आपको क्या करोगे, 6 मंथ दे रहे हो ना, 6 मंथ कब दे रहे हो, हाफ ईयरली में। अगर 1 मंथ की बात करें तो कितना दोगे, 12%, अगर 1 मंथ की बात करें तो कितना होगा, 12%, ओ एक 1 ईयर, 1 मंथ नहीं, 1 ईयर में, 1 ईयर में कितना बनेगा, 12%, मतलब क्या रेट 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 बढ़ेगा ना, 2 साल में 2 बार आपको रेट देना पड़ेगा, 1 साल में 2 बार रेट देना पड़ेगा। अगर रेट 6 माह दिया है तो आपका जो टाइम होगा वो बनेगा तो 2 गुना हो जाता है, मतलब 6 ईयर पड़ जाएगा, क्योंकि पहला दिया 6 मंथ, 1 साल मान लो इसको, फिर अगले 6 मंथ दिए 2 साल दिए, 1 साल में कितनी बार दिया दोगे, 2 बार। अगर यही क्वार्टरली दिया, तिमाही दिया गया है, तो वहाँ पर 12 तिमाही मतलब 12 से 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 4, 1 साल में 4 बार दोगे तो टाइम कितना हो जाएगा, 4 गुना, अगर 3 है तो 4 3 12 टाइम बन जाएगा क्या, ये 12, ये आपको समझ में आया होगा। अगर हाफ ईयरली ब्याज है तो आपको टाइम 2 गुना लगेगा, अगर क्वार्टरली ब्याज दिया गया है या तिमाही ब्याज दिया गया, ओ, रेट दिया गया है, सॉरी रेट दिया गया है, तो आपको टाइम लगेगा 4 गुना, यानी 4 4 गुना लगता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस टाइप के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, ये बहुत हार्ड नहीं है, इजी क्वेश्चन है, तो ये आपको दिया जा सकता है। तो आगे चलते हैं, पहला टाइप, उसके बाद यहाँ पर फार्मूला है, एक ही फार्मूला है, SI बराबर PRT/100, इसको हर जगह आपको यूज करना, हर में आपको काम देगा। और एक ध्यान रख लेना जो कि यूज आ जाता है कभी कभी, SI/प्रिंसिपल वाला ना, SI/P बराबर क्या आता है, RT/100 होता है ना, ये चीज़ ये भी आपको ध्यान रखना है, इसी से आया है, लेकिन ये भी आपको डायरेक्ट याद रखना चाहिए। चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे, अमाउंट वाला जो क्वेश्चन है, अमाउंट यहाँ से निकाल लो, अमाउंट बराबर P+SI होता है, SI का फार्मूला ये दिया गया है, तो इसके स्थान पर ये लिख सकते हो, फिर P कॉमन लेके ये लिख सकते हो, या अमाउंट/P बराबर क्या होता है, 1+RT/100, ये भी आप यूज किया जा सकता है, ये चीज़ें याद रखनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, मतलब पहले क्वेश्चन पे आज के, तो यहाँ पर पहला बेसिक है जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको पढ़ना चाहिए और ये आपको तैयार होना चाहिए वाला टॉपिक, ये क्या है, इम्पोर्टेंट नहीं, मोस्ट इम्पोर्टेंट, या बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको ये जानना चाहिए।
चलिए पहला है 1,000 रुपये का 3% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1,000 at 3% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। 2 ईयर्स का चाहिए यहाँ पर, जो 1,000 रुपये का 3%। 1,000 रुपये क्या है, यह है प्रिंसिपल है 1,000 रुपये। उसके बाद रेट कितना दिया गया, जो भी परसेंटेज में दिखेगा वो आपका रेट होगा। टाइम क्या दिया गया है, टाइम दिया गया है 2 ईयर्स। अब निकालना है आपको क्या, एसआई निकालना है। पहला क्वेश्चन है, बड़े धीमे धीमे पढ़ते हैं, उसके बाद फिर स्पीड बढ़ेगी जैसा कि हर वीडियो में आपको देखने को मिलता है। पी एसआई का फार्मूला क्या होता है, PRT/100। PRT/100 पर रखेंगे पूरा। पी कितना है, पी है 1000 × 3 × 2/100। ये नीचे 100 कहाँ से आता है, ये परसेंटेज का जो होता है यही आके नीचे लगता है 100। इसको काटोगे पीटोगे कितना आएगा, 3 × 2 = 6 10 × 60। 10 × 3 = 60, 60 रुपये। एसआई कितना आएगा, 60 रुपये। अगर आपको यहीं पूछ लिया जाए अमाउंट क्या निकालना पड़ेगा, तो पी प्लस आई। पी कितना है, 1000 है, एसआई कितना है, 60 रुपये आएगा, तो अमाउंट कितना बन जाएगा, 1060 रुपये। यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में आपने देख लिया दो क्वेश्चन, तो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है आपके यहाँ से। साधारण ब्याज ना पूछ के सीधे अमाउंट पूछ सकता है, क्या अमाउंट होगा वो भी आप इसी तरीके से एसआई निकाल के कर सकते हो। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे जो दिया गया आपका, दूसरे क्वेश्चन में क्या है, 2000 की राशि, 2000 क्या है, प्रिंसिपल है, 5% का वार्षिक दर क्या है, 5% है आर, 6 माह का मंथ दिया गया, 6 माह का दिया गया, 6 माह का साधारण ब्याज पूछ रहा है, मतलब टाइमिंग जो जो दी गई है वो 6 मंथ है। 6 मंथ को कन्वर्ट करेंगे आपके ईयरली में, 12 से डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ईयर, मतलब कितना आएगा, 1/2 लिख सकते हो, नहीं तो यूज कर सकते हो डायरेक्ट इसी। चलिए लगाते हैं PRT SI पूछ रहे थे, SI बराबर आपको पता है PRT, P कितना है 600, उसके बाद SI कितना है, R कितना है 5%, आर कितना है 5%, उसके बाद मंथ टाइम कितना है, टाइम कितना है 1/2, 1/2, और पूरे का जो बटा होता है वो कितना आता है 100। यहाँ से काटोगे 0 से 0 जाएगा, 1/2, उसके बाद यहाँ से 3 मल्टीप्लाई करोगे, नहीं 2 काटोगे कितना आएगा यहाँ पे 10, 10 × 5 = 50, 50 रुपये आएगा ये, 50 रुपये। आपको समझ में आ गया होगा, कोई हार्ड नहीं है। टाइमिंग आपको चेंज करना है, टाइमिंग आपको ईयर में बनाना है, 6 मंथ दिया गया तो 12 से, अगर 12 दिया, 4 दिया गया तो 12 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, जो जो भी आपको अगर मंथ में दिया है उसको कन्वर्ट करने, ईयर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एक ईयर में 12 मंथ होते हैं। तीसरा है किस धनराशि का, किस धनराशि, यानी पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहे हैं, व्हाट इज द प्रिंसिपल। यहाँ पर आपको दिखेगा व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू इतना इन 3 ईयर्स, रेट क्या है 12 सही, रेट क्या है 12 सही 1/2%, ये है आपका रेट 12 सही 1/2%। व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू 575.3 इन 3 ईयर्स एट द रेट ऑफ 12%, 12 से 1/2% पर एनम सिंपल एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, ये आपको लगाना है। इसमें मूलधन नहीं दिया गया, अमाउंट दिया गया, अमाउंट कितना दिया गया 57.53। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा अमाउंट बराबर क्या होता है, अमाउंट बराबर होता है SI प्लस या P प्लस SI या SI प्लस SI का फार्मूला पता है। एक फिर आगे आता है, अगर आपने ऊपर देखा होगा तो A बराबर E 1 + RT/100, ये भी आपने देखा होगा, तो यूज करते हैं। A P इधर कर लो, नीचे आ जाएगा P, उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं कर सकते, नहीं तो ऐसे ही लगा लो P, उसके बाद 1 + R, R कितना दिया गया है, इसको कर लो कितना आएगा R, 12 × 24 = 2, 25 × 2 25 मल्टीप्लाई T कितना है 3 ईयर्स, और नीचे 2 आएगा उसका 100 आएगा, इस यहाँ से काटेंगे 25 + 25 = 4
अब यहाँ पर ए कितना दिया गया, ए आपको पता ही है, यहाँ से आ जाओ, ए कितना दिया गया है 5753 है, के बाद बराबर पी, पी से करो यहाँ 4 × 2 = 8, थोड़ा स्टार्ट में करते 4 × 2 = 8, एलसीएम आ जाएगा, 8 आ जाएगा एलसीएम, 8 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा, 8 + 3/8, तो 5753 के बाद 8 × 3 = 11, 11/8 मल्टीप्लाई पी, पी इधर ही रहेगा, फिर इसको 11/8 को इधर करो, 5753 मल्टीप्लाई इधर जाएगा डिवाइड में, तो इधर मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड, इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में, 8 से डिवाइड, 11 से डिवाइड करो, 11 × 5 = 55 बचेगा, 2 बनेगा 25, 11 × 2 = 22, 22 × 3 = 25, 11 × 3 = 33, उसको मल्टीप्लाई करें, 8 × 4 = 32, 8 × 3 = 24, किसी का लास्ट डिजिट 4 दिख रहा है, लास्ट वाले का ऑप्शन का लास्ट डिजिट क्या है 4 है, इसमें जो बन जाएगा आपका लास्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो यही आने वाला है, ऐसे भी आपको पूरा ना लगाने की बजाय अगर सबका लास्ट यूनिट यूनिट डिजिट लास्ट लास्ट जो नंबर है वो अलग अलग है तो आप वहाँ से कर सकते हो कि लास्ट यूनिट डिजिट देख लो कौन सा है वो आप सॉल्व कर सकते हो, जैसे इस क्वेश्चन में सबका पहले और दूसरे का सेम है तो वहाँ पर अगर 0 आ जाता तो आपको पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ता, यहाँ पर 4 आया, 4 किसका है, एक ही का है, तो ऑप्शन यहाँ पर 4 वाला सही हो, राइटिंग ज़्यादा अच्छी आज स्पीड में चल रहे हैं तो आप मैनेज करिए, आपको इतना ठीक तो है ही, समझ में आ ही रहा होगा। और फिर चौथा क्वेश्चन, 1740 राशि का किस वार्षिक दर से, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, किस वार्षिक दर यानी क्या है, रेट निकालना है आपको, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पूछा क्या जा रहा है, रेट निकालना है, रेट निकालने के लिए और साधारण ब्याज 143 रुपये हो जाएगा, हुआ नहीं हो जाएगा ऐसा बता रहे हैं, एट व्हाट रेट पर एनम विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1760 अमाउंट टू RS 143 इन 3 / 1/4 ईयर, टाइम क्या दिया गया है, टाइम दिया गया है 3 होल 1/4 ईयर, इसको सही से कन्वर्ट कर लो, 4 × 12 पर आ जाएगा, एक जोड़ दोगे 4 × 3 = 12 13 13/4 ईयर हो जाएगा। अब अपना वही पुराना फार्मूला SI बराबर PRT/100 लगा लो, नहीं तो SI पता है, प्रिंसिपल पता है और SI पता है, तो एक फार्मूला हमने बताया था SI/P क्या होता है, SI/P होता है बराबर RT/100 हो जाता है, ये लगा सकते हो, नहीं तो R का सीधे फार्मूला दिया गया है तो R बराबर क्या होता है इसको भी आप देख सकते हो, लगा सकते हो, कैसे भी याद हो लगाना है SI बराबर PRT पर ही पूरा बेस्ड है तो उसको ही आपको रखना है और कैसे भी लगा लो आने वाला वही, तो SI कितना दिया गया है 143 है, उसके बाद 1760 दिया गया है, बराबर दिया गया है R कितना है पता निकालना है, टाइम कितना है 13/4 है, 100 × 4, अब ये ऊपर ऊपर है सेम है तो डिवाइड कर सकते हो यहीं से 13 ये बन जा फिर बन ये, उसके बाद आगे फिर और भी डिवाइड कर सकते हो, डिवाइड करने की कोई ऐसा लिमिट नहीं है, बैटरी जा चुकी, लगाते हैं चार्जिंग इसको, चलिए हो चुका है प्लगइन, आगे बढ़ते हैं, तब तक आपने ट्रांसफर लगा ही लिया होगा, तो इसमें क्या आने वाला है, काटोगे 3/11 इसको डिवाइड करो, इसको करो, डिवाइड कैसे पता होगा, इस 11 से कौन कैसे डिवाइड किया जाता है पता है, ऑड नंबर का सम करो, अगर 0 आ गया तो ठीक है, जैसे 1760 दिया गया है, ऑड नंबर क्या है ये, ऑड नंबर मतलब ऑड नंबर का सम, सम नंबर का सम करना है, ये पहला प्लेस है और तीसरे प्लेस से और दूसरा प्लेस है चौथे प्लेस, इसका सम करो 6 = 7, 7 + 0 = 7, माइनस करो 0 आ रहा है, जी हाँ जब 0 आ जाता है तो क्या 0 आ जाए या ये 11 का मल्टीपल आ जाए तो वो चीज़ 11 से डिवाइड हो जाती है, ये आपको डिविजिबिलिटी रूल में जब सिंप्लीफिकेशन आता है उसमें यूज होता है, 11 से डिवाइड करो 1 जाएगा यहाँ पर, 6 जाएगा यहाँ पर 0, ठीक, यहाँ से एक 0 से ये 0 कट ही जाएगा,
चार से काट सकते हो फोर, ये फोर, फिर टू से काट दो, टू काट दो, कैसे भी काट दो आ जाएगा, ये आ जाएगा फाइव बाई थ्री, फाइव बाई टू, ये काटोगे टू बाई वन। ये ऑप्शन नंबर कौन सा है? पहला वाला ही। उम्मीद करते कोई हार्ड नहीं है, सिर्फ आपको लिखना क्या है, SI बराबर पी आर टी अपान हंड्रेड, बस यही एक फार्मूला है। यहाँ से R बराबर लिख लो, R बराबर क्या हो जाता है, SI मल्टीप्लाई हंड्रेड अपान पी मल्टीप्लाई टी, ये बनता है फार्मूला। इसको आप यूज करके लगा सकते हो कोई भी तरीके से, कैसे भी लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, लगाना चाहिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर पाँचवें पर, टोटल 10 क्वेश्चन हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है, 500 पर 8% अर्धवार्षिक दर से, हर क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हैं, तो आपको हर क्वेश्चन को पढ़ना है, हर क्वेश्चन को लगाना है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम अभ्युदय अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं चैनल। पाँचवा क्वेश्चन यहाँ पे है कि 500 पर 8% अर्धवार्षिक, यहाँ पर क्या दिया गया, अर्धवार्षिक क्या दिया गया है, हाफ ईयरली रेट क्या है, हाफ ईयरली चल रही है, दो वर्ष का साधारण रेट, जब हाफ ईयरली होती है, जब रेट क्या होती है, हाफ ईयरली होती है, तो जो आपका टाइम है वो दो गुना हो जाता है, टू वर्ष है, टू ईयर्स है, तो ये दो गुना बढ़ के क्या हो जाता है, आपको ध्यान रखना। यहाँ पर फिर वही अपने पुराने फार्मूले पे आओ, या साई बराबर पी आर टी अपन हंड्रेड, या साई निकालना है तो साई बराबर पी, ये कितना है 500 आर टाइम अपन हंड्रेड, जीरो से जीरो काटो, आठ पंच चालीस, चालीस चौको वन हंड्रेड को आ गया, 100 ये आ गया, आठ चौक बत्तीस, पंच एक सौ साठ, या पाँच चौक बीस, अट्ठे एक सौ साठ, कैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते। इसमें क्या खेला था, खेला यही था कि हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली में क्या यूज होता है उसको आपको देखना था। क्वेश्चन नंबर सिक्स पर चलते हैं, सिक्स में क्या है, सिक्स में है कि 1500 पर एक वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, यदि ब्याज की दर 12% तिमाही है, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन द 1500 फॉर वन ईयर, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट 12% क्वार्टरली। यहाँ पर भी इसी का खेल है, कौन सा, क्वार्टरली कहा जाता है, तो रेट ये जब क्वार्टरली बोला जाता है, टाइम कितना होता है, क्वार्टरली मतलब तिमाही ना, तिमाही बोला जाएगा, 12/3 करो, कितना तिमाही आएगा, चार तिमाही आएगा ना, चार तिमाही आएगा, तो जो आपका टाइम होगा वो क्या आता है, 40 हो जाता है। टाइम क्या कितना है, एक वर्ष है, तो एक से मल्टीप्लाई करोगे, चार ईयर, ये खेला होता है तिमाही वाला या क्वार्टरली वाला। अब यहाँ पर यहाँ पर आप फिर SI अपना लगाओ, SI बराबर 1500 मल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाई 12 अपान 100, जीरो से जीरो कटेगा, 12 और 15 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 180 आता है, 180 मल्टीप्लाई 4 करोगे 18 चौक 72, 720 आता है ना, कितना आएगा 720 करके देख लेना। 12 और 15 का मल्टीप्लाई हमेशा 180 आता है, 180 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 चौक 72, 18 4 72 होता है, इतना रुपए आता है, 720 रुपए है। क्वेश्चन नंबर सिक्स सॉल्व, चलते हैं सेवन नंबर पे। सेवन नंबर में क्या है, कितने एट व्हाट रेट परसेंटेज पर एनम विल बी सम ऑफ मनी डबल्ड इन 8 ईयर, 8 ईयर में डबल हो जाती कोई मनी है, मनी मान लो पी है, पी आपने दिया, कितने साल में दिया इसको, 8 ईयर लगाया पैसा कहीं पर, शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट या पैसे रखे आपने बैंक में, तो कितना हो गया, डबल हो गया, जो किसी को दिया ना, कहा कि 8 वर्ष में आपका पैसा डबल करके आपको दे देंगे, तो पैसा कितना बन जाएगा, पहले पी था अब 2P हो जाएगा ना, पहले कितना था पी, जब कोई पैसा दोगुना होता है या पैसा कुछ चेंज हो जाता है, जैसे कि ऊपर भी क्वेश्चन दिया गया 500 रुपये का, 500 रुपये कितना हो जाता है लास्ट में जाके 650 रुपये, ये क्या है, ये तो आपका प्रिंसिपल बन जाता है, जो बना हुआ इसको क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं, क्या होता है ये अमाउंट, यहाँ से SI निकाल सकते हो, SI क्या सकते, इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 150 आएगा SI,
सेम यहाँ ये प्रिंसिपल है, ये क्या है एक्चुअल में ये प्रिंसिपल है और ये क्या बना है ये अमाउंट बना हुआ है, ये क्या है अमाउंट बना हुआ। तो एस आई निकालोगे यहाँ से, एस आई बराबर टू पी माइनस पी, कितना आएगा पी ही बचेगा। तो एस आई वाला फार्मूला जो पढ़े हो, एस आई बराबर पी आर टी, पी कितना है पी पी ही है, और आर कितना है नहीं पता, आर ही निकालना है, टी कितना है एटीजर 100, एस आई कितना है एस आई भी पी आया है, तो पी बराबर पी आर अपान, पी से पी कट गया, हम वन बचा है, यहाँ भी वन बचता है, ये मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद आर बराबर क्या बन जाएगा, आर बराबर 100 अपान 100 से काटोगे तो ये 4 से काटोगे तो आएगा 25 अपान 20 बटे आएगा, इसको और डिवाइड करोगे तो 12 वन जा तो 2 जा परसेंटेज, क्या लिख सकते हो 12 सही 1 बटे, ये भी लिख सकते, जो भी ऑप्शन में होगा ये हो सकता है या ये आ सकता है, दोनों में से कोई भी ऑप्शन में आ सकता है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ये 7 के साथ बहुत इंपॉर्टेंट, उसके बाद टाइप नंबर 2 आता है, इसमें कौन सा हो गया बी वाला ऑप्शन, तो टाइप नंबर 2 आता है उसमें आपको भी देखने को मिलेगा, ये भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि आएगा ही, लेकिन 7 क्वेश्चन जो आपके हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर आपको पढ़ना चाहिए, उसी टाइप का आपको क्वेश्चन भी लगाना चाहिए, ऐसे बता दे रहे हैं, जो रिवीजन कर सकते हो इसको कर लेना, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिखे कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 3 गुनी, वह कितने समय में 7 गुना हो जाएगा, तो ये आपको अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिले, ए सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स इट सेल्फ 5 ईयर एंड देन आफ्टर हाउ मच टाइम इट विल बी 7 टाइम्स, अगर ऐसे आप इस टाइप के आपको क्वेश्चन मिलते हैं, सीधे ये फार्मूला जो ऊपर दिया गया इसको यूज करना है, एन वन अपान एन टू बराबर सी वन अपान, एन वन कितना है एन वन जो आपको पहले दिखेगा 3, एन वन माइनस वन है एन टू माइनस अपान नीचे सी वन माइनस, टी वन कितना है टी वन कितना है नहीं दिया गया, टी वन निकालना है, टी वन दिया गया है, टी वन कितना दिया गया है 5 ईयर और टी टू निकालना है, यहाँ से आप काटोगे पीटोगे कितना आएगा, यहाँ पे करोगे 2 वाई आ जाएगा, यहाँ करोगे 6 आएगा, ये 5 आएगा, और ये यहाँ से डिवाइड करो 1, यहाँ से करो, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, टी टू बराबर कितना आएगा 15 ईयर, ऑप्शन नंबर 1 सही। आगे चलते हैं, एक और टाइप का है टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3 में पहला जो 9 नंबर है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप बहुत इजी है, कोई हार्ड नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा अगर पूछ लिया तो आपको ये एक बार देख लेना। धन राशि है 40,000 रुपये का है, 40,000 रुपये क्या है प्रिंसिपल है, 40,000 रुपये 4,000 है, इसका कुछ भाग जो है 30% में दिया जाता है, कुछ जो दिया जाता है भैया हम इसमें से आधा लगा दे रहे हैं, कुछ पैसा 3% में किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं और 5% किसी अन्य म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं, मान लो बैंक में ही, मान लो कुछ पैसा मैंने मेरे पास 4,000 रखा है, मैंने कुछ कहा कि चलो PNB बैंक में इन्वेस्ट कर देते हैं, उसमें PNB में कर देते हैं, वहाँ पर हमको 3% रेट मिल रही है, और चलो फिर दूसरा पैसा जियो वाले में कर देते हैं, जियो पेमेंट बैंक, वहाँ पर हमको 5% का रेट मिल रहा है, 5% से हमको मिल रहा है पैसा, 100 रुपये में 5% मिल, 5 रुपये में वहाँ पर इन्वेस्ट कर देते हैं वो बढ़िया रहेगा ना, ऐसे किया, अब ये नहीं पता कितना किया, दर से उधार लिया जाता है, धनराशि इतना का कुछ भाग 3%, शेष भाग 5% वार्षिक दर से की मौन पूछ रहा हो, चलो लगाते हैं कैसे आएगी, ये ईसाई पूछ रहे हैं, पहले ईसाई पहली एसआई जो हो जाएगी, अगर एक पहले फर्स्ट एसआई की बात करें तो आएगा पी
आर ये पान ये है और दूसरी जो आएगी वो उसके बाद फिर दूसरी क्या आएगी एस आई टू क्या आएगा पी आर पी और टी जो है ना वो सेम दिया गया उसमें जब कुछ नहीं दिया उसके बारे में टी के बारे में टी आपका सेम है टी अलग अलग है पी मान लो इसमें क्या है पी यहाँ पर एक्स मान लो और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4000 माइनस पहली एस आई यहाँ से निकालोगे तो एस आई कितना आएगा प्रिंसिपल कितना आएगा 4000 माइनस एक्स के बाद फिर आगे आर आर कितना है यहाँ पे पहला वाला हिस्से में 3% पहले में कितना है एक्स माने ना एक्स मल्टीप्लाई 3 100 ये हो दूसरे की बात में कितना आएगा 4000 माइनस ये हो जाएगा मैं एक मिनट क्वेश्चन आपको पूरा क्वेश्चन क्या है कि धनराशि 4000 रुपये का कुछ भाग 3% और शेष भाग 5% की वार्षिक दर हल लिया जाता है। फिर आगे है कि यदि उसे एक वर्ष में कुल ब्याज 144 टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है एसआई कितना है 144 दिया गया एसआई कितना है 144 है तो पहला भाग तो फर्स्ट भाग मतलब ये निकालो पहला भाग फर्स्ट पार्ट कितना होगा मैंने कितने पहला ये x बराबर कितना होगा यही पूछ x से जो पार्ट ये कैसे निकालना है। अब यहाँ पर यहाँ तक तो ठीक है अब आगे चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन आपको समझ गया होगा ये 1 ईयर के लिए है तो ईयर का कोई ज़रूरत नहीं सब कट जाएगा। यहाँ पर एस आई कितना दिया गया टोटल एस आई कितना है एस आई वन और एस आई टू कितना दिया गया ये दिया गया आपका 140 इन दोनों को जोड़ो दोनों को क्या करना है सम करना है सम करके 140 बराबर कर चलो देखते हैं करते हैं इधर का पता चल गया ना थोड़ा सा मिस्टेक है आपको क्वेश्चन जाएगा पूरा तो 144 क्या दिया गया एसआई दिया गया है तो एसआई पीआरटी एक्स 144 बराबर x यानी 3/100 प्लस 4 माइनस मल्टीप्लाई 5/100 कॉमन ले लो दोनों में कॉमन लेके फिर 140 जाके मल्टीप्लाई कर सकते इतना है इतना आपको पढ़ते पढ़ते समझ में आ ही गया होगा। यहाँ पर 100 दोनों में नीचे एलसीएम कॉमन है कॉमन लेके यहाँ पे करो तो मल्टीप्लाई लिख सकते हो 3x प्लस को मल्टीप्लाई करो 5 से 4 5 5 20 होता है 20 बन जाएगा 20,000 माइनस 5x ये करोगे 1440 बाद ये आ जाएगा माइनस 20,000 और ये माइनस यहाँ कटेगा माइनस ये भी माइनस करोगे तो आएगा टोटल ये 500 माइनस का आएगा यहाँ पे माइनस लगा है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा एक कट जाएगा प्लस में आ जाएगा
एक्स बराबर कितना आएगा, 5600 बटे कितना आएगा ये 28, पहला पार्ट क्या है 2800, पहला पार्ट क्या है 2800, दूसरा क्या है 40000 में से, 4000 में से 2800 माइनस 1200 आएगा, सेकंड पार्ट कितना आएगा 5% पर दिया गया, 5% करके दिया गया 3%। पूरा क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन लिखा नहीं है इसमें, आपको वो मिल जाएगा पूरा क्वेश्चन। आगे चलते हैं नंबर 10 पे। साधारण ब्याज पर एक राशि 3-2 वर्ष में 1260 रुपये और 5 वर्ष में 1000 रुपये हो जाते हैं। ऐसा नहीं, ज़रूरत नहीं है, आएगा फिर भी ना पढ़ो तो भी ठीक है, पढ़ लो तो भी, पढ़ सकते हो तो देख लेना, मत देखना। इसमें क्या है कि एक राशि है, राशि के बारे में कोई आइडिया नहीं है, नहीं है, मान के चलो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल है, वो क्या कह रहे हैं 2 ईयर्स में, ईयर में 2 ईयर में क्या हो रहा है 1260 हो जाए, और वही राशि जो है 5 ईयर में कितना हो रहा है, 5 ईयर में पहुंच जा रहा है, 5 ईयर में है 2 ईयर में, इन दोनों के बीच का टाइम का डिफरेंस कितना है, टाइम का डिफरेंस कितना है, और इनके पैसे का डिफरेंस ये निकाल लो, पैसे का डिफरेंस तो 60-40-90 आ जाएगा, 90 रुपये का डिफरेंस है पैसे, और ये क्या है 3 ईयर का डिफरेंस। वो SI है, SI जो है वो 3 ईयर्स का SI कितना है 9, अगर 1 ईयर के SI की बात करें तो कितना आएगा 90 आएगा, SI कितना आया, अब क्या निकालना है इसमें, आगे जो कह रहे हैं ना क्या निकालना है कि वार्षिक दर प्रतिशत ज्ञात की, 1 ईयर में आपको निकालना है, 1 साल का वार्षिक ज्ञात करना है, SI मिल चुका है हमको, मूलधन निकालना है, ये क्या है आपका ब्याज है, क्या है आपका ब्याज नहीं, क्या आपका अमाउंट, ईयर में क्या आपका दो अमाउंट 2 ईयर का है, तो SI भी 2 ईयर का निकाल सकते हैं या 5 ईयर का निकाल सकते हैं। SI अगर हम 2 ईयर का SI निकालें तो कितना आएगा, SI 2 ईयर का 60-30 आएगा, तो अमाउंट प्रिंसिपल कितना होगा, अमाउंट माइनस अमाउंट कितना है 600 माइनस प्रिंसिपल कितना है 12, आपको प्रिंसिपल मिल चुका है, उसके बाद फिर आपको मिल चुका है SI मिल चुका है 2 ईयर का, SI कितना है साथ साथ आपको टाइम मिला है, टाइम कितना है अगर इसका निकालोगे ईयर है, फिर आपको निकालना है रेट निकालना है, इसका रेट लगाओ अपना फार्मूला, SI कितना है 600 रुपये है, उसके बाद P कितना है 1200 रुपये का है, मल्टीप्लाई रेट कितना है पता है, टाइम कितना है 2 ईयर का है 1200 से कट गया, यहाँ से करोगे 5×5 12×5=60, आर कितना आएगा, आर बराबर 5/, आर बराबर 5/ काटोगे तो ये वो आ सकता है या तो 2.5%। ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहा, उम्मीद करते हैं ये सभी आपको समझ में आया होगा, कमेंट करके बताइए कैसे लगे हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस।